चित्तौड़गढ़, ये नाम सुन के आंखों के सामने बस रानी पद्मावती और उनकी 1600 दासियों का जौहर आता है। 700 एकड़ में फैला एशिया का सबसे बड़ा किला, जो उन दिनों में मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। तो उदयपुर देखकर मैं सीधा आ जाता हूँ चित्तौड़गढ़। अगर आप इस किले को ऐसे ही देखने आओगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मेरी तरह पद्मावती मूवी देखकर अगर आप आओगे तो आपको एक किला महसूस होगा, पता नहीं क्यों, जो मुझे एक्चुअली हो रहा था। वैसे तो मैं मन बना कर आया था, मुझे यहाँ का सिर्फ जौहर कुंड देखना है, जहाँ रानी पद्मावती ने जलती आग में अपने आत्मसम्मान के लिए अपना प्राण त्याग दिया था। लेकिन रास्ते में और भी जगह थी, जैसे कि एक कुंभा महल, जो उन दिनों में युद्ध में पूरी तरीके से तबाह हो गया था। फिर वहाँ से आगे बढ़ते ही मुझे ये मीराबाई का मंदिर दिखता है, जहाँ बैठकर मीराबाई कृष्ण जी के लिए भजन गाती थी और उन्हें विष भी इसी जगह दिया गया था, जो कि अमृत में बदल गया था। फिर ये मंदिर देखने के बाद मैं चला जाता हूँ जौहर स्थल के पास, लेकिन वो हम कल की वीडियो में डिटेल में देखेंगे, और उसी के साथ रानी पद्मावती का भी महल देखेंगे।